छापेमारी। जी हाँ, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बारपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर निजी अस्पताल की एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर निजी अस्पताल पर डॉक्टरों की टीम द्वारा छापेमारी की गई। बता दें कि एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि मुख्य बाजार स्थित जीवन दीप हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर के बिना गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराई जा रही है, जिसकी जांच के आदेश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर टीम को दिए गए, जिसके उपरांत आज डॉक्टर मधु माथुर अपनी टीम के साथ जीवन दीप हॉस्पिटल में छापेमारी करने पहुंची। डॉक्टरों की टीम द्वारा हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात अपने कब्जे में कर जांच के लिए ले गए। हॉस्पिटल संचालनकर्ता नासिर हुसैन ने बताया कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, वह व्यक्ति मेरे हॉस्पिटल में 2-3 साल से कार्य करता था, जबकि मेरा उससे कोई विवाद नहीं है। उसने जो भी शिकायत की है वह निराधार है। डॉक्टरों द्वारा जांच के हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन संबंधी कागज मांगे जाने पर दिए गए हैं। आगे जो भी हॉस्पिटल संबंधी कागज मांगे जाएंगे तो दिखाए जाएंगे। डॉक्टर मधु माथुर ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतकर्ता के आधार पर अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश प्राप्त हुए थे। हॉस्पिटल में बहुत सी अनियमितताएं पाई गई हैं, रजिस्ट्रेशन संबंधी कागज ले गए हैं। जांच में जो भी कमी पाई जाएगी संबंधित अधिकारियों को जांच कर सौंप दी जाएगी। देखिए, बालपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। डॉक्टर लोग बैठते हैं यहाँ पे, अगर सर्जरी भी होती है तो सर्जन द्वारा की जाती है। तो शिकायत की है, वो हमारे वहाँ एक लड़का रहता था हारून, ड्यूटी से चला गया वो, जबकि उसके पैसे उसे भी नहीं है, कि उनने पता नहीं किसके चढ़ावे में आके, अल्लाह बेहतर जाने वही जान सकता है ये क्यों की उसने। मेरे पास 2.5-3 साल से रह रहा था वो, मांगा रजिस्ट्रेशन दे दिया गया। हाँ, आदेश क्या है, ये पेपर जो है GNM के पेपर मंगाए, मन की ठीक है, मैं पूछवा देता हूँ, लेकर आता हूँ। कि डॉक्टर लोगों ने जो छापे मारे हैं, मारा है, उनके जो भी पेपर उन्होंने, हमने पेपर सबमिट कर दिए हैं उन्हें, बाकी आगे अगर जो भी मांगेंगे तो वो दे दिए जाएंगे। बाकी उस लड़के के आरोप जो भी हैं सब गलत हैं, झूठे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत आई थी कि यहाँ बिना किसी अथॉरिटी के या रजिस्ट्रेशन के लिए ये हॉस्पिटल चल रहा है, साथ ही यहाँ पर जनरल सर्जरी, DNC और गर्भवती माताओं की भी डिलीवरी और सर्जरी हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आज, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश दिए गए थे, तो हम उसी के लिए इंक्वायरी करने आए थे कि क्या ऐसा सत्य है कि नहीं है। क्या पाया गया? कुछ शिकायतें तो जो पहली नज़र में देखने में लग रही हैं कुछ तो सत्य ही है, लेकिन बाकी के कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनको जो यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं थे, जो उनके द्वारा कल हमें प्रोवाइड करने के लिए कहे गए हैं, तो पूरा निर्णय तो उसके बाद ही लिया जाएगा, लेकिन पहली नज़र में तो काफ़ी शिकायतें सत्य भी प्रतीत हो रही हैं।